हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम स्टूडियो में दिल्ली पुलिस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो आपने दिल्ली पुलिस में एमटीएस के फॉर्म फिलअप किए हैं दोस्तों, उनके जो आपके एडमिट कार्ड अभी हाल ही में आए हुए हैं फ्रेंड्स, उनकी एग्जाम डेट चेंज कर दी गई है। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुना, उनकी एग्जाम डेट चेंज कर दी गई है। फ्रेंड्स, आपका पेपर कौन सी डेट में होगा, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4/12/2018 जो आपकी एग्जाम डेट फ्रेंड्स अभी हाल ही में एडमिट कार्ड में आई हुएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो उनका पेपर 4 तारीख को होना था, उनका पेपर दोस्तों 26 तारीख को होगा। आप देख रहे हैं न्यू डेट, ठीक है, 26/12/2018। फ्रेंड्स, जिनका पेपर 5 तारीख को था, उनका फ्रेंड्स 27 तारीख को पेपर होगा। ठीक है, इसको आप फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ लीजिए। जिनका पेपर 6 तारीख का दोस्तों, उनका 28 को होगा। जिनका 7 तारीख का पेपर था, मतलब 7 तारीख का अभी दिसंबर में, उनका फ्रेंड्स 29 को होगा, मतलब 29 दिसंबर को। और फ्रेंड्स, जिनका पेपर 8 तारीख को था, उनका 2 तारीख को होगा दोस्तों जनवरी में। और जिनका पेपर दोस्तों 10 तारीख को था, उनका पेपर 3 तारीख को होगा जनवरी में फ्रेंड्स। और जिनका पेपर 11 तारीख को था, उनका दोस्तों 4 तारीख को होगा जनवरी में। जिनका दोस्तों 12 तारीख का पेपर था, उनका 5 को होगा। जिनका दोस्तों 13 तारीख का पेपर था, उनका 7 तारीख को होगा जनवरी में। ठीक है, और फ्रेंड्स, जिनका पेपर 14 तारीख को था, आप देख रहे हैं यहाँ पे 14/12/2018, उनका पेपर दोस्तों 8 तारीख को होगा जनवरी के महीने में 2019 में। ठीक है, और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 15 तारीख 2012, मतलब और फ्रेंड नीचे देख रहे हैं आप 15/12/2018, जिनका पेपर दोस्तों 15 तारीख को था, आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 तारीख को था, उनका पेपर दोस्तों 9 तारीख को होगा जनवरी के महीने में 2019 में। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका पेपर दोस्तों 17 तारीख को है, फ्रेंड्स देख रहे हैं आप 17 तारीख को, फ्रेंड उनका जो एग्जाम डेट है फ्रेंड्स वही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप नो चेंज, मतलब फ्रेंड्स का ये हुआ कि 15 से ऊपर वाले, मतलब कि उन सबका एग्जाम डेट चेंज कर दी गई है। और दोस्तों 15 के बाद वालों की सबकी जो एग्जाम डेट है वो सेम रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका फ्रेंड्स अपना एडमिट कार्ड जो आपने निकलवाया हुआ है, आपका एग्जाम डेट वही काम करेगा वहाँ पे। ठीक है, और जिनका एग्जाम फ्रेंड्स 15 तारीख को है या 15 से पहले है, उनके एग्जाम डेट चेंज कर दी गई है फ्रेंड्स सबकी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जैसे आप जूम करके देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका पेपर कौन सी तारीख को होना है। ठीक है, आप बेवजह जाओ वहाँ से फिर वापस आओ, फिर फ्रेंड्स ये बात अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स ध्यान से मतलब जाइएगा। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 तारीख के बाद वाले सभी मतलब सेम है बिल्कुल, 15 तारीख को जिनका पेपर है, 15 से पहले वाले उनकी एग्जाम डेट चेंज कर दी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।